दोस्तों इंजन ऑयल के डिब्बे पे ये नंबर आपने सबने पहले भी देखे होंगे, 20W50। आखिर ये लिखे क्यों हैं? 15W40 कैस्ट्रोल का मैग्नेटिक है ये। ये देखिए मोबिल सुपर है, इस पे भी लिखा हुआ है 10W30। आखिर इनका मतलब क्या है और ये कैसे काम आते हैं, ये क्यों लिखे जाते हैं? बिना मतलब तो कोई कंपनी नहीं लिखेगी ये जैसे लिख रखा है देखो सब पे। मेरी ये वीडियो लास्ट तक देखना और मैं आपको बताऊंगा ये नंबर कितने काम के हैं हमारी गाड़ी सर्विस कराने के लिए। दोस्तों कैसे हैं आप? जब भी आप गाड़ी की सर्विस कराने के लिए जाते होंगे अपने मैकेनिक के पास, तो सबसे पहला जो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आता होगा वो आता होगा कि भाई हम गाड़ी में इंजन ऑयल कौन सा डलवाएं। अब इंजन ऑयल कौन सा डलवाएं, इसके बारे में जो आप सबसे पहले सोचते होंगे कि भाई कैस्ट्रोल का डलवाएं, विडोल का डलवाएं, या मोबिल का, या वेल्वो लाइन, इतनी सारी भरके कंपनियां हैं मार्केट में कि कन्फ्यूजन होना लाजमी है। दोस्तों सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी और आप कन्फ्यूज हैं कि भाई गाड़ी की सर्विस सर्विस सेंटर में कराएं या बाहर कराएं, तो मेरी ये वीडियो पहले देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक पे। अब मैं आपको जो बातें बताने वाला हूं, हो सकता है कुछ लोगों को पता हो इंजन ऑयल के रिलेटेड। तो सबसे पहले जो है हमें कंपनी सर्च नहीं करनी है, हमें नहीं देखना है कि ये किस कंपनी का इंजन ऑयल है या कौन सी कंपनी कितना महंगा बेच रही है क्या है। दोस्तों ये वाली चीजें आपको देखनी है, ये वाली चीज दोस्तों आपको देखनी है। ये देखिए लिखा हुआ है 10W30, ये ग्रेड होती है इनकी। ये 15W40, ये देखिए इस पे लिखा हुआ है 20W50। और ये देखिए बाहर कंपनी के कैन पे आपको ये नंबर लिखा मिलेगा। दोस्तों जरूर से देखना है आपको ये। दोस्तों अब आपके मन में सवाल आया होगा कि ये नंबर तो मैंने भी देखे हैं भाई गाड़ी पे लिख उस पे कैन पे लिखे हुए, लेकिन अभी तक पता नहीं कि इन नंबरों का हमें यूज क्या करना है। तो दोस्तों अगर गहराई से समझाऊंगा तो वीडियो हो जाएगी हमारी बहुत लंबी, और आपको लंबी वीडियो देखना किसी को भी पसंद नहीं होता दोस्तों आजकल। सबसे बड़ी बात जो है आप इसे ऐसे समझिए बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में, जितने कम नंबर हैं उतने कम एरिया टेम्परेचर के लिए वो इंजन ऑयल बना हुआ है। अब आप हिंदुस्तान के किस एरिया में रहते हैं मैं उस हिसाब से आपको बताता हूं कि आप कौन सा इंजन ऑयल यूज करिए। अगर आप रहते हैं पहाड़ों पे, मतलब आपके वहां पे ठंड टेम्परेचर 5 डिग्री के नीचे रहता है, लेह लद्दाख रहते हैं, कुल्लू मनाली रहते हैं, वहां टेम्परेचर हमेशा ही डाउन रहता है, तो आप यूज कीजिए 5W30 या 5W40, समझ गए ना, 5W40 वाला या 5W30 वाला जो इंजन ऑयल है वो यूज कीजिए। ये बहुत पतला होता है और वहां के हिसाब से आप गाड़ी कोई भी यूज करते हो, वहां के हिसाब से ठंड के हिसाब से ये वाला इंजन ऑयल आपकी गाड़ी के लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप रहते हैं मेरी तरह नॉर्थ इंडिया में, कहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, यूपी, इस जगह पे जहां सर्दी भी पड़ती है कई महीने और कई महीने गर्मियां भी पड़ती है, तो यहां के लिए सबसे बेस्ट है आप 10W40 10W40 वाला जो इंजन ऑयल है वो यूज कीजिए। आपकी गाड़ी में मजा ही मजा है, 10,000 किलोमीटर कहीं नहीं जाता है इंजन ऑयल, कोई सिंथेटिक ऑयल की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है आपको। अगला जो आपका एरिया आता है सेंट्रल इंडिया वाला, मतलब MP, महाराष्ट्र वगैरह, जहां मौसम लगभग गर्म सा रहता है, तो सबसे बढ़िया है आप 15W40 आप अपनी गाड़ी में यूज कर सकते हैं। कोई भी गाड़ी हो दोस्तों, A to Z आपके पास, बेझिझक के आप किसी भी कंपनी का, सब कंपनियां अच्छी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंजन ऑयल का जो मेन काम है वो है हमारे क्रैंक शाफ्ट को लुब्रिकेटेड रखना, वहां फ्रिक्शन ना पैदा होने दे। गर्म होने पे इंजन ऑयल थोड़ा पतला हो जाता है अपने आप ही, ज्यादा मोटा भी नहीं डलवाना चाहिए गाड़ी में। मान लो आप 20W40 या 25W40 डलवा लो तो उससे भी आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस घट जाएगी। अगर आप ज्यादा पतला यहाँ पे 5W40 डलवा लोगे तो वो ज्यादा पतला होता है, उससे लुब्रिकेशन उतना नहीं दे पाता वो इंजन को। तो टेम्परेचर के हिसाब से आपको अपनी गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल डलवाना चाहिए। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी, अगली बार आप अगर सर्विस सेंटर वाले के पास जाएंगे अपनी गाड़ी लेके अपनी मैकेनिक के पास, तो उससे बोलना भाई हमारी गाड़ी में तो ये ग्रेड वाला इंजन ऑयल डाल दे। आपको समझ आ ही गया होगा कि किस एरिया में रह रहे हैं। हमारे लिए सबसे बढ़िया 10W40 है, वो विडोल का हो या कैस्ट्रोल का हो, मैं किसी कंपनी का ऑयल खराब नहीं कहता दोस्तों, सब बढ़िया बना के देते हैं, सब 10,000 किलोमीटर चलते हैं। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको ये वीडियो किसी और को भी भेजनी है तो प्लीज शेयर भी कर देना। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं, अगर आपका कोई भी सवाल हो गाड़ियों से जुड़ा हुआ बेसिकली, तो मैं उसका जवाब जरूर देता हूँ, रिप्लाई जरूर करता हूँ। थैंक यू सो मच।